अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो है KFC स्टाइल जिंगर बर्गर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिए, ठीक है। इसके देखिए मैंने पसंदे कर लिए, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, पसंदे बना लिए मैंने। और ये वेनेगर है, ये इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऐड करूंगी और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। तीन टेबलस्पून ऐड करने और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फिर इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको 15 मिनट हो चुके हैं, हमने सिरका लगा के रख दिया था। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये है अदरक लहसुन का पाउडर, इसमें पेस्ट ऐड नहीं होगा, इसमें पाउडर ऐड होगा। तो ये हम डाल देते हैं 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। व्हाइट पेपर लेंगे 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर लेंगे हम, ये भी 1/2 टीस्पून लेंगे। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तमाम मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन हम 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लूं। ओके फ्रेंड, ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड करना था, वो भी मैंने कर दिया। और लास्ट में अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे, वो भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे भर के। बस अब इसको हम रख देंगे। मैं आपको दूसरी बनाना सिखा देती हूँ। इसी तरह आप उठाएंगे, इसमें करेंगे मैदा सारा कोट करेंगे इसके ऊपर। ठीक, इसको पहले हमने हल्का हल्का करना है, फिर हम इसको पानी में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको झाड़ लेंगे और पानी में ऐड करेंगे। अब हम निकालेंगे और दोबारा मैदे में डिप कर देंगे। सारा मैदा इसके ऊपर कर देंगे और इसको अच्छी तरह आप मिक्स करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह कि जितने अच्छे आप क्रम्स बनाएंगे उतना अच्छा ही आपका बर्गर बनेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमारे क्रम्स कैसे बने। ये मैं आपको फ्राई करके भी दिखा। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है, ठीक है। अब हम ये उठाएंगे, एक ड्रेस इस तरह उठाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे कितने अच्छे क्रम्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। अब हम उठाएंगे और इसको इसमें डिप कर देंगे। ये देखिए इस तरह उठाएंगे, एक और डाल देती हूँ इसके अंदर। अब हम इसको फ्राई नहीं देंगे, तब तक हम आपको सॉस बनाना सिखा देते हैं। ये देखिए फ्राई हो रही है, जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं आपको सॉस बनाना सिखा देती हूँ कि इसकी सॉस कैसे बनेगी। डालेंगे इसमें हम 1 कप मेयोनीज होगी, ठीक है, और 1/2 कप हमने डाली केचप। चिली सॉस डाल देंगे 2 टेबलस्पून। 1, 2 ब्लैक पेपर डाल देंगे हम, बिल्कुल पिंच, ज्यादा नहीं रह, और थोड़ा सा सॉल्ट, ये भी अब अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
ये देखें ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, अभी 5 मिनट और लगेंगे फिर ये हो जाएंगे फ्राई। ओके फ्रेंड ये देखिए ये बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं, बस एक साइड और हो जाएगी तब निकाल देंगे। तो ये हमारी सॉस भी तैयार हो चुकी है, ये है लेटस और ये है कैबेज। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लेटस क्या है, जो हम KFC मैकडोनल्ड में बर्गर खाते हैं ना उसके अंदर ये लेटस होते हैं, इसी से हमारा वो जो उनका बर्गर होता है ना वो ज़्यादा मज़े का लगता है, वो ये चीज़ होती है। तो मैंने ये यहाँ पे भी रखा हुआ है, बर्गर के ऊपर भी डालूंगी और इसके अंदर भी ऐड करेंगे और ये भी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कैसा बना है क्रिस्पी सा। ये देखिए अभी मैं आपको बर्गर में भी डाल के दिखा देती हूँ। ये बन को फ्राई करेंगे हल्का सा, निकाल लेंगे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मायनीज लगाएंगे ठीक है, हल्का सा इसको फैला देंगे। अब हम चिकन का पीस लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह हमारा कैसा क्रिस्पी बना है, मैं आपको बल्कि एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कैसा बना हुआ अंदर से भी हमारा माशाल्लाह, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। अब इस पिक पर हम स्लाइस रख देंगे। अब ये जो हमने सॉस बनाई थी ये हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लेटस डाल देंगे, हम स्लाइस कर देंगे। ये देखिए ये हमारा जिंगर बर्गर रेडी है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स को दिखा देती हूँ कि कैसा बना अंदर से, ये देखिए चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए इसके क्रम्स आप चेक कर लें, बर्गर चेक कर लें, जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसा बने। ओके फ्रेंड्स तो ये थी आज की हमारी रेसिपी जिंगर बर्गर, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।